दोस्तों, आज हम साइंस क्लास 10 का क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा, विच प्लांट डिड मेंडेल यूज फॉर हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है पी, ऑप्शन डी है पोटैटो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर वो पी का यूज किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन रिलीज मोर एनर्जी। ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी बोथ ए बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरोबिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मेल जेनेटिक ग्लैंड इन ह्यूमन इज कॉल्ड। ह्यूमन में जो मेल जेनेटिक ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस, एपिडर्मिस, सेमिनल वेसिल्स, स्पर्म डक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्म डक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज। कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मतलब ऑप्शन ए है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर्स, बी ग्रोथ, सी ऑर्गेनाइजेशन, सी डी कोऑर्डिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑकर्स इन प्लांट, फंगी, सम प्रोटिस्टा एंड प्रोक्रियोट्स बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए प्लांट। प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लाइकोलोसिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन, साइटोन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, विच एंजाइम एक्ट ऑन फैट। फैट पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिप्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिप्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूट, फ्लावर, स्टीम एंड फ्रूट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लावर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोजीशन एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लांट्स आर स्टोमेटा अब्सेंट। किस प्लांट में स्टोमेटा अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्यूंटिया, यानी कि नागफनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BSIV इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एयर पोल्यूशन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है मेरा, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड फैट, हार्मोन, हेमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज ए बर्थ हार्मोन। किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन के द्वारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है टायरोसिन, ऑक्सीटोन और थायरोट्रोपिन और इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सीड डेवलप्स फ्रॉम, जो सीड होता है किस चीज़ से डेवलप होता है, एंथर, ओवरी, स्टेमेन, ओव्यूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओव्यूल। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूओडेनम
is a part of, duodenum is a part of large intestine, small intestine, buccal cavity, stomata. तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटेनम इज, ऑप्शन नंबर ए है एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है इस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है टेस्ट्रॉन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्ट्रॉन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज, ऑप्शन नंबर ए रेन वाटर, बी सनलाइट, सी एयर, डी सॉइल. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सनलाइट. इकोसिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस इज अफ्रीका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, टाइफाइड, गोनोरिया, एड्स एंड बोथ ए बी एंड सी. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, गोनोरिया एंड एड्स दोनों होते हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर है 21. क्वेश्चन है द शेप ऑफ ह्यूमन किडनी इज, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, बीन शेप्ड, नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन शेप्ड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है चेंज इन बॉडी इन एडोलसेंस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, एजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, बोथ ए एंड बी. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ये लड़का में टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और लड़की में एस्ट्रोजन के कारण होता है. तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 23. क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, सेक्सुअल मैच्योरिटी के पीरियड को क्या बोलते हैं. तो होता है एडोलसेंस, प्यूबर्टी, ग्रोथ, नन ऑफ दी. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यूबर्टी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है 24 है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, सीएफसी और मीथेन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीएफसी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 25. क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज ए पोंड, पोंड इज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 26 नंबर क्वेश्चन है. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन एन इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर इकोसिस्टम में पाया जाता है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. तो आंसर हो जाएगा इसका ए. अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिफोर द ओरिजिन ऑफ लिविंग बींग्स. तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ज. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है द माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज, माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर, 10^-6 एम्पियर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन. नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज यूज टू गेट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए या उसको गेट करने के लिए क्या यूज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरा 32. ए मैग्नीफाइड इमेजनरी इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस के बिटवीन रहेगा तभी वो हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरा 33. व्हाट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द आई, आई के द्वारा, ह्यूमन आई के द्वारा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है. तो वो होता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 34.
34 है, व्हाट इज यूज टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट करंट यूज करने के लिए क्या यूज करता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा IR² रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन फॉर्म करता है, क्वेश्चन तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा 37 क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच द रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस मीट इज कॉल्ड। जो होता है पॉइंट एट विच द रेज कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से एक रे कमिंग आउट होता है और रिफ्रैक्शन के बाद जो लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद जो मीट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फोकस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोटोग्राफी कैमरा इज। फोटोग्राफी कैमरा का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो किसका होता है, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा 39 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो एक स्मॉल लेटर, किसी बुक में आप स्मॉल लेटर को पढ़िएगा तो कौन सा लेंस को यूज करिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरा आंसर डी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थीन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर ईच। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कॉनकेव। कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो इसका सेकेंड पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज अभी के लिए इतना ही, इसका सेकेंड पार्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।